हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टाइलस आरमेक्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि स्टाइलस आरमेक्स की मदद से आप कोई भी रिदम बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी ऐड करने को मिल जाते हैं जिससे बाद में आप एक नया रिदम बना सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कोर लाइब्रेरी यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा हूँ। उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ। तो इस सेटअप जब आप इस सेटअप को इंस्टॉल करते हो तो इसके अंदर बहुत सारे आपको बीट मिल जाते हैं, जैसे किक का है, स्नेयर का है, क्वेश्चंस का है, सेकर्स का है, जो बनी बने हुई आपको बीट मिलती है। उसके बाद में अगर हम यूजर लाइब्रेरी में आते हैं तो मेरी खुद की यहाँ पे जो लाइब्रेरी ऐड की गई है, तो मैंने अभी दो लाइब्रेरियों को ऐड किया हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और भी लाइब्रेरी को ऐड करना है तो आप इन यहाँ पे देख सकते हो, ढोल, ढोलक, तबला, ये सब मिक्स आपको मिल जाएंगे जिनसे आप एक नया रिदम बना सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ये सुना करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों ये 80 पे है, तो अभी ये 80 पे नहीं बजेंगी। यहाँ पे देख सकते हो ये 80 पे नहीं बजेगी, क्योंकि यहाँ पे 120 सेट है, तो 120 के ऊपर बजेगी। अगर मैं यहाँ पे अगर 80 यहाँ पे सेट कर देता हूँ, 80 टेम्पो यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद में अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप सुन रहे हैं कि अब ये 80 टेम्पो के ऊपर बज रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको 140 कर देता हूँ तो ये यही 80 वाला जो लूप्स है ये 140 टेम्पो के ऊपर बजेगा। तो हर एक तरह का इसके अंदर मिक्स लूप्स होता है जो आप रिदम बना सकते हो। तो किसी भी तरह का अगर आपको रिदम बनाना है तो आपको स्टाइलस आरमेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अंदर बहुत तरह का जो बीट होता है आरके लूप्स का, जो इंडियन लाइब्रेरी होता है वो आता है। तो इंडियन लाइब्रेरी को हम कैसे ऐड करते हैं स्टाइलस आरमेक्स के अंदर, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में इसको हम अलग अलग ऑडियो ट्रैक के ऊपर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम नया रिदम कैसे बनाएंगे, वो भी हम वीडियो में बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको लूप्स मिल जाता है। और ये उसके बाद में यहाँ पर डफ मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो डफ। है ये 78 टेम्पो का, लेकिन यहाँ पे बज रहा है 140 टेम्पो के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे सेम इसका टेम्पो यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो उसी टेम्पो के ऊपर ही बजेगा। यानी कि आप एक ही लूप्स को एक टेम्पो के ऊपर अगर आप सेट है 80 टेम्पो के ऊपर, तो उसको आप 70 कर सकते हो, 75 कर सकते हो, 90, 100, 110, 120 तक आप ले जा सकते हो और आप किसी भी तरह का रिदम बना सकते हो। उसके बाद में ढोलक यहाँ पे है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको 100 टेम्पो दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, अब ये 90 वाला 100 के ऊपर बजेगा। इसके अंदर पंजाबी ढोल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पंजाबी बीट बनाना है तो आपको बहुत तरह का है पंजाबी बीट, बस इसमें ऐड करना है, इसके अंदर हर तरह का लूप मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम कोर लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं ग्रुप एलिमेंट पे, तो यहाँ पे देख सकते हो सेकर्स से, यानी कि बने बनाए हुए परक्यूशंस आते हैं इसके अंदर। अगर आप किसी भी तरह का बीट बना रहे हो तो इस परक्यूशंस को आप ऐड कर सकते हो। बना बनाए हुए परक्यूशंस आपके हर एक बीट के साथ में मैच कर जाएगा। हर एक पैटर्न के ऊपर आपके पास जो सेकर का जो परक्यूशंस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये किक है, हर तरह का किक आपको मिलेगा इसके अंदर। ये हाई हेट परक्यूशन से बना बनाया हुआ आप ऐड कर सकते हो अपने किसी भी बीट के साथ में।
इसके अंदर आपको क्लेप मिल जाएगा, और जो बोंगोस का आता है ये देख सकते हो यहाँ पे, ये भी बनाया जाता है, इससे भी रिदम बनाया जाता है, कहीं ना कहीं इसको ऐड किया जाता है इंट्रो में, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे बीट है इसके अंदर, स्नेयर के भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं आरमेक्स ग्रुप्स के अंदर, तो इसमें भी बहुत तरह के आपको बीट मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्लब के अंदर जाते हैं, तो इसके भी अंदर बहुत तरह के बीट मिलेंगे आपको बने बनाए हुए। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का रिदम बनाना है तो आपके पास स्टाइलस आरमिक्स होना चाहिए और इसके अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे आपको बाहर से कुछ भी खरीदना ना पड़े और आप इसी स्टाइलस आरमिक्स की मदद से किसी भी गाने का न्यू रिदम बना सकते हो, जैसा आप चाहो फ्रेश रिदम आप इस स्टाइलस आरमिक्स की मदद से बना सकते हो। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया और मैंने बताया कि यह कैसे काम करता है, और इसके अंदर कुछ लाइब्रेरी हमें ऐड करनी है, बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, तो लगभग 35 GB का पूरा एक डाटा है सेटअप को मिला करके, तो अभी लाइब्रेरी को ऐड करना है और उसके अंदर बहुत सारे आर के लूप्स यानी कि जो इंडियन लाइब्रेरी होती हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी देखने के लिए, जिन पे आप हर एक तरह का बीट आपको सुनने के लिए मिल जाएगा और आप उससे अच्छा खासा रिदम बना सकते हो। और लाइब्रेरी को ऐड करने का भी वीडियो बना दिया जाएगा और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद में जब इसके अंदर हम आइडियो को रिकॉर्ड करते हैं अपने क्यूबेस 5 के अंदर, स्टाइलस के जो लूप्स होते हैं और जो हम रिदम बनाते हैं, बीट बनाते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, चाहे वो कल मिक्सिंग से रिलेटेड हो या फिर नया रिदम बनाने के लिए हो, वेस्टर्न रिदम बनाने के लिए हो, तो मैं हर एक तरह का वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा दीजिएगा।